जन्म का आखिर फ्रास क्या होता है, हिम्मत लगे हैं तादाद से क्या होता है, अगर हो बहादुर तो लड़ो अपने ही बलबूते पर दूसरे की इमदाद से क्या होता है। अगर सारी वस्तु मंडरा आ जाए और वो सुने ना शोर मचाने आप बैठे थे कोई वो खुशी का मकाम है कि नशे की बजन है, क्योंकि इस दौर में नबी के चाहने वाले बहुत कम रह गए और ज्यादा ये नबी की बजन ये सजाना ये लाइट लगाना पंडाल लगाना तारे भाई हजारी भाई ने इमाम किया है नबी के नाम का अल्लाह की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल सबकी पैसे की हाजिर लोगों को फरमाए क्यों जो पैसा बारगाह खर्च किया जाता है वो फजूल खर्ची नहीं होती कितने वक्त में इनाम देने के लिए भी हिम्मत चलता है और मेरे बात अभी आपने खिताब और सुना और
अगर वो एक हो जाए कलाम खत्म हो जाए, आज की मजहब इस्लाम के मानने वाले अपनी उसी हालत पर आ जाए सहाबा इकराम के जो नबी के गुलाम थे, तो ये दुनिया के तमाम काफिर और मुनाफिक दुनिया की हुकूमत आज सुन्नियों को देखकर क्या जरूरत है, लेकिन सब काम सब हो जाते हैं। दिल की हकीकत देखी जाती है, मोहब्बत देखी जाती है, कौन कितनी मोहब्बत वाला है। अब मैं आपको एक हिकायत बताऊं, एक भेड़ बहुत ऊंची छत पर खड़ी थी, ऊंची छत पर भेड़ तो जानते हो गया बकरी की तरह हो गई है, हमारा गांव के रहने वाले हैं, और भेड़ को तो शहजादे भी जानते हैं। नीचे से शेर गुजर रहा, अब फिर छत के ऊपर से शेर को गालियां देने लगी। देखो आप, फिर का और शेर का मुकाबला देखिए, छत के ऊपर से शेर को गालियां दे रही है, अब नीचे से जा रहा है, अब शेर क्या जवाब दे, ए फिर ये गालियां तू मुझे नहीं दे रही है, ये छत मुझे गालियां दिलवा रही है।
भेड़ की क्या औकात है शेर को बाजा दे दे, भेड़ गाली दे सकती शेर को नहीं दे दी, उसे छत का सहारा मिल गया, ऊपर से शेर को गाली लगे रही है, अगर वो छत में न भी तो शेर भेड़ को शिकार कर देगा। तेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं बोल क्या रहा, भेड़ बोलती हूँ इसके छत के ऊपर से बोले, शेर नीचे से आ गया उसको सहारा मिल गया, अब फिर शेर के बाद तो हमारा तो चाहिए कि आपस में महाबत रहे। हजरत यानी शाह फरमाते हैं कि जो लोग अपने दिलों को दुनिया में एक रखते हैं, अल्लाह उसके रसूल से दोनों बाजी हैं। आज हम दुनिया में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, किसी की बेटा बेटा हो गया तो मुबारकबाद देते हैं, आपको मुबारक हो, शादी की मुबारकबाद देते हैं, शादी मुबारक हो आपको, हज मुबारक हो, ईद मुबारक हो, ग्यारहवीं बार की मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल की बहुत चलते देते मुबारक, लेकिन हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते लायक मुबारकबाद वो है जो दुनिया से अपने को देखते देखते रुखसत हो जाए, अपने को देखते देखते खुद अपने को दूसरे को नहीं अपने को देखते देखते, और आजकल अपने को आदमी देखता ही कब है, दूसरे को देख लेता है उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, और अपने अंदर कितनी बड़ी कमियां हो तो शैतान जाहिर नहीं होने देता, वो तो ये कहता तू तो बड़ा पासा है, तू तो बड़ा नेक है, तू तो बड़ा फरिश्ता है, तू तो बड़ा अफसर आना है, अपने को नहीं देखने देता, दूसरे की आंख के अंदर अत्यंता पड़ जाए रही फौरन देख लेगी, फौरन देख लेती है और अपनी पूरी फूटी होती है, अपनी नजर नहीं आती है, पूरी टूट जाएगा, दूसरे का तिरका पड़ गया तो फौरन नजर आ गया, मगर शैतान जो होता है ना वो अपने को देखने नहीं देता कि तेरे अंदर है, दूसरे के नाम जाहिर करवा देता कि तू गुंडा है, कि तू फक्का है, कि तू चोर है, कि तू बदमाश है, कि तू जुआरी है, कि तू शराबी है, तू ऐसा है, तू ऐसा, अपना कितनी बड़ा अपने को अपना नेक समझता है, जन्नती हूँ जन्नत, शैतान कहलवा नहीं देता है दूसरे की कहलवाता, अब यही आप दूसरे को देख लेती हो, यही आप अगर अपने आप को देख ले तो इससे बड़ा लायक मुबारक बात कोई नहीं है, मेरे आला शाह फरमाते जिस आदमी को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है तो उसको अल्लाह तो प्यारे यहाँ बोलो हमारी दो आंखें लगनी है, एक आंख दूसरी आंख को देख सकती है, देखो ये तो मिसाल सामने है, ये नाक लगी है सामने, जब ये आंख साफ नाक नहीं देख सकती, हमारा कान नहीं देख सकती, तो दूसरे का है कैसे देख लेती है, हम अपने अंदर कुछ कमी नहीं देखते, दूसरे का है जाहिर कर देते, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, अपने देखना दूसरे के देखना बहुत आसान हो जाता, मगर आशा बताना बताने के लिए कुछ ना कुछ बड़ी मेहनत तो मुश्किल, तो क्या है हमारा मजा मेरी आवाज साथ में देखी नहीं आज वो आवाज सुना दे जाता, आप सुन इस बात को याद करते कि हाँ कोई आया है वो कुछ ना कुछ सुना कर रहे हैं, इन नदी 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 सुना बेशक ही खुदा
दिया। तो हमें क्या चाहिए? आपस में किसी की बुराई नहीं, किसी की कीमत नहीं, किसी के आपस में अख्तिलाफ नहीं, आपस में भाई भाई होकर रहे। हमारे सर पर टोपियां सजी रहे, कुर्ता पजामा पहने रहे, हमारी मस्जिद में नमाजियों से आवाज रहे, हम सब अपनी मस्जिदों को जाते रहे, हम नमाज पढ़ते रहे। कोई नहीं मिला पाए, आपस में बराबर हो गई, आपस में कितना प्यार प्यार। अरे यही मजहब है इस्लाम, इसको पहले भी रोका गया था, इसको पर पहले भी इल्जाम लगाए गए थे, कीचड़ उछाले गए थे, सब काम किया गया था, मगर ये किसी के रोके से रोका नहीं था। ऊपर के पुजारियों ने इसको रोका था, पत्थर के पुजारियों ने इसको रोका था, जुमला लिखा हासिल किया, दूसरा लिखा खत्म कर दिया, मिटा दिया। कितनी याद रखा पड़ा लिखना नहीं आता था, जब इतने बड़े बड़े सरमायादारों ने एक कुरान की आयत की तमाम आयत ना ला सके, फिर नकल नकल कर मर गए। तो आज के अंधे ए नकदियों सुनो, आमना की गोद की महल में नूरी चादर ओढ़ने वाले गुस्सान में मेरे मुस्तफा की सूरत की तरह कोई सूरत दुनिया में नहीं हो सकती है। मैं अपने गुफ्तगू का खिताब कर रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम और आप जो है मजहब इस्लाम एक रहे, किसी की दीवार किसी की बुराई और हसद बिल्कुल अपने सीनों से निकाल दे। मौला इस हसद से हमें महफूज रखे। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हसद है। चोरी करने वाले ने चोरी की वो उसकी सजा पाए। अरे बेटे को पूछ लो आपके इमाम साहब,
शराब पीने वाला कौन हो गया शराबी गुनाहे कबीरा गया उसकी सजा पाएगा जुआ खेलने वाले ने जुआ खेला क्या हुआ गुनाहे कबीरा हुआ उसकी सजा पाएगा हासा एक ऐसा है मालूम है आपको हसद की वजह से इस इजराइल को जन्नत से निकाला हसद की वजह से निकाला गया था 70,000 फरिश्ते को उधर से नहीं निकाला आज हम अपने इस कपड़े पे हसद कर रहे अपने बेटे बेटों पे हसद कर रहे अपने मकान पे हसद कर रहे अगर हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा है हमारे सामने Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.